हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK चौहान एजुकेशन में स्वागत है। अक्सर हमारे दिमाग में यह सवाल आते रहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर सीखकर किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए और हमें कंप्यूटर में कौन सी ज़रूरी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि किसी भी कंपनी में कंप्यूटर चलाने की नौकरी आसानी से मिल जाए। जब हम वहाँ कंप्यूटर में काम करें तो वहाँ काम करने में आसानी हो। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या सीखना होता है, इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर एक वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि कंपनी में काम करने के लिए क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है और बंद कैसे किया जाता है। कंप्यूटर में आपको क्या आता है ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं, क्योंकि जहां पर आप कंपनी में कार्य करने जाओगे तो आपको एक पर्सनल कंप्यूटर दिया जाएगा जिसको आपको चालू भी करना होता है और उसको बंद भी करना होता है। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब आपको सबसे पहले कंप्यूटर के मेन स्विच को ऑन करना है। देखिए यहाँ से हम मेन स्विच को ऑन कर देते हैं और ये आपको CPU दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या है, आपको देखो मेन स्विच दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ से एक बार इसको दबाना है। दबाने के बाद आप देखना आपका कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब कुछ टाइम के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका कंप्यूटर किस तरीके से शट डाउन होगा। अब देखिए थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि आपका कंप्यूटर किस तरीके से शट डाउन होगा। देखिए अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, चलिए हम आपको अब शट डाउन करना बताएंगे। देखिए यहाँ पर कोने पर आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको शट डाउन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखिए, कीबोर्ड से Alt F4 बटन प्रेस करना है और आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको माउस की भी जानकारी होनी चाहिए, चलिए अब माउस के बारे में आपको बताते हैं। माउस, जिसे हम पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं, ये 5 शब्दों से मिलकर बना है, MOUS और E, इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसकी फुल फॉर्म है आपकी मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट होती है, जिसे हम हिंदी में मैनुअल रूप से संचालित उपयोगिता उपकरण कहते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे 1963 में डगलस एंजलवर्ट ने बनाया था, जिसकी मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट सेलेक्ट, क्लिक, स्क्रॉल, ड्रैग, ड्रॉप किया जा सकता है। माउस में 2 बटन होते हैं जिन्हें राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक कहते हैं, और बीच में स्क्रॉल व्हील दिया होता है जिसे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम माउस की सहायता से किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में लेफ्ट साइड में नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको जो भी प्रोग्राम चलाना है उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने वही प्रोग्राम खुलकर आ जाएगा। माउस के साथ साथ आपको कीबोर्ड का भी पता होना चाहिए। कीबोर्ड क्या है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग इनपुट टेक्स्ट जैसे लेटर, नंबर, कैरेक्टर्स, कमांड आदि को कंप्यूटर में देने के लिए किया जाता है। यह एक पेरिफेरल डिवाइस है, यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 101 की होते हैं तथा अन्य कीबोर्ड में 104 की होती है, परंतु यह कीबोर्ड की लेआउट पर निर्भर करता है। कीबोर्ड की को निम्न भागों में बांटा गया है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपकी फंक्शन की, नंबर 2 है न्यूमेरिक की, नंबर 3 पर है आपकी अल्फाबेट की, नंबर 4 एरोज की, नंबर 5 पर है आपकी स्पेशल कीज और लास्ट है आपकी पंक्चुएशन की। अब हम कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को स्टार्ट किस तरह किया जाता है। तो आपको कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से यहाँ पर विंडो R बटन प्रेस करना है तो आपके सामने एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। आपको जो भी प्रोग्राम ओपन करना है उसको यहाँ पर रन कमांड में डालना होगा। तो चलिए, जो भी प्रोग्राम आपको ओपन करना है उसकी रन कमांड हम इसमें डाल देते हैं।
तो चलिए हम MS Paint को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम MS Paint की ही कमांड डालेंगे। जैसे ही आप MS Paint की कमांड डालेंगे तो यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है, तो आपके सामने MS Paint ओपन हो जाएगा। अगर आपको MS Paint के बारे में अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, इसके साथ साथ आपको नोटपैड वर्डपैड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज़ है आपको MS Office के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानकारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हर कंपनी में यूज होते हैं और ज़्यादातर इनमें ही काम होता है। MS Word में भी डाटा एंट्री का कार्य किया जाता है और MS Excel में भी डाटा एंट्री का काम किया जाता है, और इनके साथ साथ आपको पेज सेटअप का भी पता होना चाहिए कि इन एप्लीकेशन के अंदर पेज को कैसे, पेज की सेटिंग कैसे की जाती है, और आपको फाइल को PDF में कैसे सेव किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सभी की फाइलों को ईमेल पर कैसे सेंड किया जाता है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की भी जानकारी होनी आवश्यक है।